बहुत खुशी की बात है कि आज वो दिन आ गया। 2014 में वोट नहीं दे सका क्योंकि मैं अस्पताल में था विलायत में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैं आपके पास खड़ा हूं। मगर अफसोस इस बात का भी है कि जहां ये कहते हैं कि कोई पत्थर नहीं चल रहा है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई बायकॉट नहीं है, वहां मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर पार्टी के और खासकर हमारी पार्टी के वर्कर्स को, सीधा सीधा वर्कर्स को इन्होंने इन दो दिनों में बंद कर रखा है। एक तरफ से ये कहते हैं कि इलेक्शन बहुत आजादी से हो रहा है, तो मुझे बताइए, मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, हमारे वर्कर्स को क्यों बंद किया गया? क्या वो डरते हैं कि वो हार जाएंगे? और वो जरूर हारेंगे, इंशाल्लाह हारेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम कामदार है, बाकी नामदार है। आप छोड़ दीजिए ना, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, वो कहने दीजिए। हमने तो नाम देखे, बाकियों ने तो चलिए सिर्फ इल्जाम लगाया। हमने तो आपको नाम दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, हमने थाने की डिटेल्स दिए हैं जिन थानों में उनको बुलाया गया है, और हमने अपने रिप्रेजेंटेशन में ये भी कहा कि हम ये 8 नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ये ना कहो कि हम बिना सबूत के बात कर रहे हैं। ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं था, इट वॉज एन इंडिकेटिव लिस्ट, इट वॉज टू शो दैट जो हम कह रहे हैं हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं।